हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारे मैथ मेकिंग की क्लासेस, फटाफट शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास आज के लिए। पहले स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए, हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है जो प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल है, आप इनको अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो ये कुछ हमारी लोकेशन थी डे 18 के लिए, जहां पर हम लोगों ने देखा था माजुली के बारे में, मुझे देखना था बुचर के बारे में, देखना था एलिफेंटा के बारे में, देखना था निकोबार, ग्रेट निकोबार एंड कार निकोबार। तो बेसिकली ये कुछ हमारे लोकेशंस हैं जिनको कि हमें लोकेट करना और उसके बारे में डिस्कशन करनी है। अगर बात करें क्या कुछ है हमारे पास, तो देखिए माजुली जो है ये आ जाती है असम में, और ये आ जाती है बेसिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर में आ जा रही होती है। इसके बाद बुचर आइलैंड, जिसको जवाहर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, जवाहर द्वीप भी इसको बोला जाता है, दोनों नाम है इसका। और जो एलिफेंटा है, ये दोनों के दोनों बेसिकली मुंबई के पास में पाए जाते हैं, मुंबई महाराष्ट्र। फिर उसके बाद निकोबार, ये सारा का सारा जो होता है ग्रेट निकोबार एंड ऑल दैट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में चला जा रहा होता है। तो फटाफट हम लोगों ने सारी के सारी लोकेशन को देख लिया, एक बार फटाफट चलते हैं जरा मैप पे देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोकेशंस यहां पर ऐसी हैं जो आपके लिए मे बी नहीं हो, जैसे बुचर आइलैंड हो गया या फिर आपका एलिफेंटा हो गया। तो एलिफेंटा बेसिकली वही अजंता एलोरा एलिफेंटा केव्स जो है, वही वाला ये एलिफेंटा केव्स है, ये एलिफेंटा केव्स के नाम से ही जाना जाता है, सेपरेट एक अलग से आइलैंड पे है, उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, अपने चलते हैं मैप पे और वहां पर देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास। सो दिस इज आवर अर्थ, फटाफट चलते हैं अपने इंडिया में, और इंडिया में आने के बाद हमें दिखेगा, देखिए यहां पर जब आप आएंगे दिस इज आवर असम, असम में जब आप आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगी माजुली आइलैंड, यहां पर आपको रिवर मिलेगी, रिवर के पास में आपको माजुली आइलैंड देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा। दिस इज बेसिकली माजुली आइलैंड, यहां पर ये रिवराइन आइलैंड हो जा रही होती है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर में पाई जा रही होती है, यू कैन सी दिस, ठीक है। इसके बाद आप आगे आ जाएंगे और हम लोग जरा देख लेते हैं मुंबई में चलते हैं, मुंबई में जब आप चलेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पर हमारे पास कुछ केव्स हैं, दीज आर लाइक हियर। यहां पर जब आप आ जाएंगे तो देखिए यहां पर आप जैसे ही मुंबई में आएंगे यू विल गेट एलिफेंटा केव्स, देखिए यहां पर एक छोटी सी आइलैंड है जिसका नाम एलिफेंटा केव, यहां पर एलिफेंटा केव्स है। सिमिलरली देखिए यहां पर छोटा सा आइलैंड है, और ये आइलैंड जो है बेसिकली ऑयल ड्रिलिंग के लिए है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कार्गो वगैरह भी खड़ा है और इस तरीके से ऑयल ड्रिलिंग हो रही है। ये बेसिकली जवाहर द्वीप है, या इसी को हम लोग बोलते हैं बुचर आइलैंड। तो आपको आइडिया लग गया क्या चीज है। बाकी तो देखिए ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, ये सब तो आपको साउथ में मिल ही जाएगा और आपको इसके बारे में ज्यादा डाउट वगैरह तो नहीं होगा, आराम से आप इन सब चीजों को देख सकते हैं यहाँ पर। साउथ में आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे आइलैंड्स आ जा रहे होते हैं, और ये लाइन से पूरा का पूरा है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारी लाइन से आइलैंड ग्रुप हो जाते हैं जो कि सुमात्रा जावा इन दोनों के बगल बगल में स्थित है इस तरीके से। तो हम लोग चलते हैं जरा फटाफट और चलते हैं लोकेशन को फटाफट देख लेते हैं और उसके बाद से उसके डिस्कशन को करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने मैप में, फटाफट लोकेट कर लेते हैं। जैसे अगर लोकेशन के बारे में बात करें तो लोकेशन में हमको यहां पर दिख जाएगा कि माजुली आइलैंड है, दिस इज बेसिकली माजुली आइलैंड, आपने यहां पर दिखा दिया। फिर उसके बाद से ये आपका अंडमान एंड निकोबार है, तो यहां पर बहुत छोटा छोटा बना हुआ है, कोई बात नहीं, सबसे नीचे आप बना देंगे कि ये ग्रेट निकोबार है, दिस इज ग्रेट निकोबार, उसके ऊपर आप बना देंगे कि ये कार निकोबार, ठीक है। बाकी निकोबार आइलैंड तो पूरा का पूरा ग्रुप ही हो जाएगा। जब यहां पर मुंबई है इस साइड में आप यहां पर आएंगे और यहीं पर बना देंगे कि ये एलिफेंटा है, और साथ ही यहां पर जगह नहीं है इसलिए दोनों को एक साथ दिखा देंगे कि यहीं पर जवाहर द्वीप भी है, या फिर कह लीजिए कि यहीं पर बुचर आइलैंड भी है, दोनों ही आइलैंड एक ही नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो गई बेसिकली हमारी पूरी लोकेशन। फटाफट आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में सबसे पहले माजुली आइलैंड, पता है हमें कि असम में है, तो इट इज बेसिकली अ रिवराइन आइलैंड इन ब्रह्मपुत्रा रिवर इन द स्टेट ऑफ असम। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड इन फ्रेश वाटर बॉडी एज इल्हा दे मराहो इन अमेजन। तो सेम इसी तरीके की यहां पर भी एक आइलैंड अमेजन में पाई जाती है। द आइलैंड हाउवर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड इन एशिया। दूसरी आ जाती है एलिफेंटा, तो केव्स के नाम से ऑलरेडी आप लोग जान ही रहे हैं, इसको हम लोग घरापूर्ति आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसी को प्लेस ऑफ केव्स भी बोला जाता है। इट इज वन ऑफ द आइलैंड इन महाराष्ट्र नियर मुंबई हार्बर। दिस मंकी मैनिफेस्टेड आइलैंड इज अ टूरिस्ट हॉट स्पॉट बिकॉज द केव्स दैट हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ रॉक। तो ये रॉक से बेसिकली बना हुआ है, हिस्ट्री में आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे बेसिकली क्या चीज है। बुचर आइलैंड, या इसी को बोल देते हैं जवाहर आइलैंड हो जा रही होती है। द आइलैंड इज एट द कोस्ट ऑफ मुंबई, इट इज ऑयल टर्मिनल एंड यूज फॉर पोर्ट अथॉरिटीज टू लिफ्ट
ऑफ लोड इट फ्रॉम ऑयल टैंकर्स। तो यहां पर जैसे ONGC हो गई या रिलायंस हो गई, ये दोनों के दोनों यहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। द क्रूड ऑयल इज स्टोर्ड इन ऑयल कंटेनर, इनफैक्ट जो होती है काफी ज्यादा डेंजरस भी हो रखी है क्योंकि कई बार इसमें एक्सप्लोजन भी हो रखा है। तो हमारे निकोबार आइलैंड के बारे में अब आ जाते हैं। दीज आर द आइलैंड चेन इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन एंड आर पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंडियन ओशियन में आ जाता है, बे ऑफ बंगाल का पार्ट अब नहीं रह जाता है, काफी नीचे आ जाती है। एट प्रेजेंट स्मॉल सदर्न एक्सटेंशन ऑफ सबमर्ज फोल्ड साउथ ऑफ अंडमान सी। द आर्चिपेलागो हैज लिटिल कार निकोबार हो गया, ग्रेट निकोबार आइलैंड हो गया, जहां पर इंदिरा पॉइंट भी लोएस्ट पॉइंट पाया जा रहा होता है जो कि ग्रेट निकोबार में है। क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में आ जाएगा। तो आइलैंड इज द लार्जेस्ट ऑफ निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया साउथ ऑफ सुमात्रा। जैसे यहां पर सुमात्रा है तो इसके जस्ट साउथ में मतलब यहां पर आ जाती है ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट यहीं का सदर्न मोस्ट टिप है, इज ऑल्सो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। द आइलैंड इज लार्जली कवर्ड बाई रेन फॉरेस्ट एंड इट्स नोन फॉर इट्स डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी। अगली आ जाती है हमारी कार निकोबार आइलैंड। कार निकोबार आइलैंड के बारे में भी आपको ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। पहले देखिए लोकेशन जरूर याद रखिएगा, सबसे पहले आपकी आ जाती है लिटिल निकोबार, उसके नीचे आ जाती है आपकी ग्रेट निकोबार, उसी ग्रेट निकोबार में आपका ये सिस्टम मिल जा रहा होता है। क्लियर हो गया। कार निकोबार में बारे में बात करें, इसको हम लोग मलक्का या पू नाम से भी जाना जाता है, और ये जो होते हैं निकोबार आइलैंड के जस्ट नॉर्थ में है, विच इन टर्न आर द सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरीके से ये पाया जा रहा होता है हमारा कार निकोबार। तो आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या लिखना है, कैसे लिखना है। डे 18 की फटाफट ले लीजिए आप लोग, लोकेशन क्या क्या है। तो सब अगेन आइलैंड को ही हम लोग देख रहे हैं, श्रीहरिकोटा, विलिंगटन आइलैंड हो गया, दीव आइलैंड हो गया, मिनिकॉय आइलैंड हो गया, कवर्ती हो गया और अगाती आइलैंड हो गया। तो बेसिकली ये कुछ आइलैंड है जो आप लोग फटाफट लोकेट करिएगा, लोकेट करके आप हमें सेंड कर सकते हैं। यू कैन मेल अस एट recognition@gmail.com और यू कैन टेलीग्राम अस, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल वो ऑलरेडी लिखी हुई है। तो आप लोग इस तरीके से हमारी डिस्कशन आज की हो जाती है। अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से ज्वाइन करके आप उससे डाउट अपने पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।